हम आ गए असम में, हम आए थे दिल्ली से, अभी असम पहुंच चुके हैं। तो अभी माघ बिहू की तैयारी हो रही है, वहाँ पे हमारा मेजी बन के तैयार हो चुका है और अभी हमारा भेलाघर बना रहे हैं, सब मिलके बना रहे हैं। और हम लोग वहाँ से दूर दौड़ते हुए आए, इधर पूरा खेत है, कितना अच्छा नज़ारा है। खैर भाई आराम मिलने को इतनी आसानी से नहीं दिखता। अब वहाँ से इतना खेत है, कम से कम 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर दौड़ते हुए आए इधर। हमारे तो 1-2 घंटा 4-4 मिनट लग गए लोग दौड़ के। पापा और ये मेरे हमारे पीछे पीछे आते थे, राज और मैं दौड़ के पहुंच गए इधर। और हम लोग करके आ रहा, मैं दिखाता हूं पहले पास से। अरे यहां पे बहुत बहुत है, ऊपर चढ़ के आग लगाएंगे ना, चढ़ के ऊपर आग लगाएंगे, ऊपर से नीचे आ जाता है। हाँ तो मतलब वो नीचे आ जाएगा वो। भाई हम चढ़ गया, अरे अभी बारिश आने को भी आया है। ऊपर चढ़ के ऊपर से आग जल जाएगा, फिर भेलाघर को भी जलाएंगे माघ बिहू के लिए। हम बहुत साल के बाद इस बार माघ बिहू हम आसाम में सेलिब्रेट करेंगे। मेरे दोनों बेटे मानव और धीमान अपनी मम्मी के गांव आई है दिल्ली से, इसीलिए माघ बिहू के लिए। अरे हमारे तो 3-3 बेटे ना, उधर भी दिखाओ। और ये धीमान है, ये मानव है, ये ऋतुराज है जो यहीं रहते हैं। तो ये बन गई है मेजी बन गई है, बाकी भेड़ाघर बना रहे हैं काफ़ी लोग, जो कल हम इसमें सेलिब्रेट करेंगे। कल हमारा माघ बिहू है असम लोगों का। काफ़ी टाइम से लोग कह रहे थे कि माघ बिहू कैसे सेलिब्रेट होता है असम में, दिखाना था, तो हम इस बार सक्सेस हुए लगभग। बाकी मौसम थोड़ी सी ख़राब सी हो रही है, बूंदाबांदी भी हो रही है, बाकी आगे मानव बताएंगे जो भी है। बारिश भी हो रही है। तो मानव लो, मानव बताओ किसी से बनता है लो। तो इसको बनाने के लिए इसे क्या कहते हैं, नोरा, बैम्बू और नोरा का है ये पूरा खेती है। धान का खेती का जो नीचे का, ये देखिए सब पूरा हो, पूरा फील्ड में एक बार दिखा देता हूँ थोड़ा आगे जाके, वो बहुत आगे आगे तक है, उधर तक है बॉर्डर, उधर तक है बॉर्डर। फिर जंगल में घर होंगे थोड़े बहुत, झोपड़ियाँ छोटी छोटी, फिर उधर भी है, फिर उधर है, फिर इधर है, तो बहुत लंबा है ये, उधर से इधर का एंड इधर है, और ऐसे बन रहा है। मतलब इसको ऐसे उठाते हैं बंडल बना के और ऊपर रख देते हैं। हाय ओ तू मेरा पेन गंदा कर रहा है, उसको मैं गिराना है। फिर मिलते हैं गाइस, जब भेड़ाघर बन के तैयार हो जाएगा।